हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं आज के अपने टॉपिक नंबर सीरीज पे। देखिए, नंबर सीरीज की जब बात हम लोग करते हैं तो उससे पहले मेरा ये मानना है आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। और वो बेसिक बातें जो है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर नंबर तक के आपको स्क्वायर जो हैं, ऐसे ही क्यूब्स जो हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो करेंगे क्या, स्क्वायर कम से कम जो है 10 से लेकर के, या कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर लर्न हो, और क्यूब्स भी ऐसे लर्न कर लीजिए कुछ नहीं तो 1 से लेकर के 20 तक। नंबर सीरीज में सबसे ज़्यादा तो आपका एडिशन, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन, कुछ जगहों पे डिवीजन भी फॉलो होता है। ध्यान ये रखना होता है कि जब सीरीज चलती है तो आप देखोगे सीरीज दो तीन तरह से चलती है। या तो सीरीज चलेगी वो धीमे धीमे बढ़ रही होगी, और या वो तेजी से बढ़ेगी। धीमे बढ़ती है तो ये सामान्यता एडिशन का केस होता है। बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये केस या तो मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर या क्यूब को ऐड किया गया होगा। ये ध्यान रखिए, जितने ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही इसमें नॉलेज बढ़ेगी और आपका प्रोफिशिएंसी आएगी। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी आरआरबी की जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं लगभग पर डे आपको 2 से 3 टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन चाहता है तो वो मुझे बता सकता है, उसको ऐप के थ्रू मेरी ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, देन यू विल गेट द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, हालांकि मैं अभी रीजनिंग के साथ में आपको आपका जीके का जो पेपर है उसका, और साथ ही जो साइंस है उसके भी टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। आपके अपने सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी बताइएगा कि सर जी किस चीज़ के रिगार्डिंग हमको, और अगर स्टडी मटेरियल या टेस्ट मिल जाए तो वो हेल्प होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग अपने इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 5 11। अगर 5 से 11 में चलते हैं तो एडिशन ये हो गया हमारा 6 का, 11 17, 6 का 17 से 25, 8 का 25 से 33, फिर 8 का। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी सीरीज है +6 +6 +8 +8 और यहाँ पे +10, इसका मतलब फिर से +10 हो जाएगा। और +10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 53। यहाँ पर 53। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 6 8 8 17 19 28 30, क्या सीरीज फॉलो हो रही है, देखते हैं। ये +2, 8 से 17 +9, फिर +2, फिर +9, फिर +2, इसलिए यहां फॉलो होगा हमारा +9, आंसर हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ 6 से 10 +4 हुआ, 10 से 18 +8 हो जाएगा, अठारह से 34 +16, यानी कि 4 फिर 4 का 2 गुना 8, 8 दूनी 16,
अगर हम देखें यहाँ पे तो 32 ऐड करेंगे, तो 4 2 6 और 3 3 6, 66 आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9 21 45 93, क्वेश्चन मार्क 381। तो 9 से 21 जरा देखें, प्लस 12 और 21 से 45 तो प्लस 24, तो ये 12 हुआ और 24 हुआ। इसका अंतर आप देख लें अगर, तो ये 48 48 का है। इसका मतलब पहले 12, 12 दुनी 24, 24 का दोगुना 48, अब 48 का दोगुना ऐड कर दें, 48 का दोगुना ऐड करेंगे 96, 6 3 9 9 9 18, 189, 180 ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो जैसे मैंने बोला था आपको, सीरीज देखिए, 5 10 30 600 3600 जंप करके बढ़ रही है सीरीज। तो देखिए ये इंटू टू हो रहा है, 5 दूनी 10 10 3 30, और ये ध्यान से देखो तो 6 गुना हुआ है, यानी कि यहां से यहां हुआ होगा 4 गुना और यहां से यहां हुआ होगा 5 गुना, तो 3 6 12 यानी कि 120 ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है आपका 6 3 6 18 72, तो देखते हैं क्या चल रही है, 3 गुना 6 6 3 18, फिर 3 गुना है। अच्छा अगर हम देखें इसमें 3 से 6 हुआ भाई 2 गुना, 3 गुना, और ये हुआ 3 गुना, 3 गुना 6 3 ये 4 गुना, तो यहां कर देंगे हम लोग 5 गुना, तो 5 गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 से 35 36 360 ऑप्शन डी राइट। आइए 7 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर में क्या है, 5 11 24 51 106। तो यहां पर सीरीज देखते हैं, 5 दूनी 10 11 11 दूनी 22 2, अच्छा ठीक है, तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 1 11, 24 में 11 दूनी 22 प्लस 2 और 24 से 51 में गुणे 2 प्लस 3, 51 से 106 गुणे 2 प्लस 4, तो यहाँ आंसर आएगा गुणे 2 प्लस 5, तो 2 6 12 2 9 2 प्लस 5 जाएगा 217 ऑप्शन बी राइट। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 14 27 52 101 198। तो 14 27 28 27 54। देखिए इसमें एक सीरीज जो आ रही है वो ये है कि 14 गुणे 2 माइनस 1, अभी आपने देखा गुणे 2 प्लस 1 था, अब इसमें गुणे 2 माइनस 1, 52 इसमें गुणे 2 माइनस 1, इसमें गुणे 2 माइनस 2, इसमें हो जाएगा गुणे 2 माइनस 2, अब हो जाएगा गुणे 2 माइनस 3, यहां हो गया गुणे 2 माइनस 4 और आएगा आपका गुणे 2 माइनस 5, तो 198 गुणे 2 कितना हो, 2 8 16 2 18 19 2 3 और माइनस 5 हो गया 391 ऑप्शन सी राइट।
चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2, 3, 8, 112, 565। तो 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 8 का, 5 का अंतर, 2 1 2, 1 3, 3 2 6, 2 8, 2 9, 2। देखते क्या ये सीरीज है क्या भाई, जैसे 2, 3, 8, तो 2 से 3 तो चल गए हम, 2 1 2 और 1 3, 3 2 6, 2 8, तो क्या सीरीज ये फॉलो होगी, तो क्या ये सीरीज यहाँ फॉलो होगी, गुणे 3 प्लस 3, 8 3 24 और 3 27, ठीक है, क्योंकि आगे चलेगा 27 गुणे 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 112, ठीक है, सही है, यही चलेगा आंसर आएगा 27। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, सीरीज हमारी 43, 172, 86, 344 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अल्टरनेट सीरीज दिख रही है कुछ, क्योंकि पहले कम संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, तो संभव है कि अल्टरनेट सीरीज हो, और अगर अल्टरनेट सीरीज है तो यहां पर देखिए जरा ये क्या इसका दोगुना है, ठीक है, 2 3 6 2 4, ठीक है, और अगर हम आगे इसी का फिर से दोगुना कर दें, 2 6 12 और 2 8 16 1 7, 172 है क्या, हाँ है, तो क्योंकि तो देखिए इसका क्या दोगुना है, 2 2 4, 2 14, 2 3 2 3, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, 172 आंसर है। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं सीरीज कैसे फॉलो हो रही है। देखिए 100 से 50 यानी कि भाग दो हो गया आधा, 50 से 52 प्लस 2, 52 का आधा कर दिया, फिर 26, 26 में फिर प्लस 2, तो अब क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो हो जाएगा 14, ठीक, 14 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 माइनस नहीं प्लस 2, 16, 16 का आधा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कहता है, 0 1 4 15। देखिए मैंने आपको बताया था कि नंबर का स्क्वायर को बहुत जरूरी है ध्यान देना, 0 हो गया 0 1 9 0, 1 की गुणा 1 से 0 प्लस 0, फिर 0 गुणे 1 प्लस 1, देखो मैं ये लिख देता हूँ, सीरीज अच्छी सीरीज लग रही है, 0 1 4 15, एक्स की वैल्यू 325, 1956, जो एक सीरीज मुझे दिख रही है तो ये है कि भाई 0 की गुणा हमने की 0, या 0 को हम 1 से कर, अंतर अगर देखे कितना आ रहा है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है,
देखते हैं जीरो को, अगर हम जीरो को ही मान, जीरो कैसे आएगा, जीरो की पावर जीरो, एक की पावर एक, दो की पावर दो, एक कम हो गया, लेकिन जीरो गुणे जीरो प्लस जीरो, एक की गुणा करें एक से प्लस एक, जीरो गुणा एक से जीरो, अच्छा जीरो गुणे एक, जीरो गुणे एक का मतलब जीरो हुआ प्लस एक, फिर क्या करते हैं हम, अब एक की गुणा दो से, एक दूना दो प्लस दो, एक गुणे दो प्लस दो, ये हो जाएगा अच्छा, ये है देखिए, और देखते जो नेक्स्ट डिजिट है उसके भी यहां पर, ये ऐसे मानते जीरो से एक कैसे गुणे एक प्लस एक, एक आ गया, अब गुणे दो प्लस दो, चार आ गया, गुणे तीन प्लस तीन, चार से बारह तीन बनता है, गुणे चार प्लस चार, 15 64 64, ऑप्शन बी सही। बढ़िया क्वेश्चन, आगे चलें, 8 15 28 53, 8 दूनी 16 एक कम, 15 दूनी 30 दो कम, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 8 15 28 53 एक्स, देखिए 8 से 15 गुणे दो माइनस एक, 8 दूनी 16 एक कम 15, 15 दूनी 30 माइनस दो, 28 दूना 56 माइनस 3, तो 53 दूना हो गया जाकर 106 माइनस 4 102, ऑप्शन डी राइट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ये देख सकते हैं आप सभी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर हैं, तो हम नोट कर लेगा 0 24 120 360x, तो ये हो गया एक का स्क्वायर माइनस एक, और ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 216, इसमें ये 6 की बजाय 6 नहीं 11, ठीक, 11 का स्क्वायर माइनस 1 121, तो इसमें कितना हमने ऐड किया था यहाँ, +4 +6, तो अब डिफरेंस में ऐड कर देंगे हम +8, तो हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर कर दीजिए -1 3 से -1 10, अब ऐड करेंगे हम बेटा इसमें कितना 10, 29, 29 का स्क्वायर माइनस 1, 29 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 841 माइनस 1 840 हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में चलते 15 नंबर पे, इसमें तो खैर ज्यादा तो 7 दूनी 14 42, अच्छा ये हाफ दिख रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, ये फिर से इसका 4 चक्कू, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है,
840, 168, 42, 14, 840 कैसे आया? डिवाइडेड बाई 5। देखिए पंच नम पंच इकतीस पलटे, ठीक, डिवाइडेड बाई 4, 4 चौके 16, 4 दूनी, ठीक है, 42। डिवाइडेड बाई 3, 14। डिवाइडेड बाई 2, 7। डिवाइडेड बाई 1, तो 7 आए। बढ़िया, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखें, 1, 3, 11, 47, x, 14, 39। तो ये क्या सीरीज चलेगी इसमें देखते हैं। 1 से 3, 2 का अंतर, 3, 3, 9, 2, 11, 11, तो 44। अच्छा ठीक है, ठीक है, ×2+1, ×3+2, ×4+3, ×5+4, तो 5 से 35, 5 चक्कू 20, 3 23, प्लस 4 5 4 9, 239। 239 ऑप्शन ए राइट। तो स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज के टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।